चोरों के हौसले बुलंद, रिटायर मास्टर के घर पर लाखों की चोरी। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल घर कर गया है। अभी दो दिन पहले ही नंदना गांव निवासी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जवान के घर पर लाखों की चोरी का मामला सामने आया था, जिसका सुराग अभी पुलिस लगा भी नहीं पाई थी कि चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी। थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव निवासी रिटायर्ड मास्टर जियालाल गौतम के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के अंदर घुसकर लाखों रुपए के गहने व नकदी उठा ले गए और परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। बता दें कि जियालाल गौतम केंद्रीय विद्यालय सतना से कुछ दिन पूर्व ही रिटायर हुए हैं। चार पुत्रों में दो पुत्र विद्यालय में अध्यापक हैं और सबसे छोटे लड़के सत्यप्रकाश ने इस घटना के विषय में बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। चोर छत के रास्ते घर के अंदर घुसे, जिसमें घर के तीन दरवाजे खुले हुए थे। चोरों ने घर के अंदर दो अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए के गहने तथा 50,000 रुपए नकदी उठा ले गए। बता दें कि क्षेत्र में अज्ञात चोर पूरे फिल्मी अंदाज में योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर सबसे पहले थाना क्षेत्र के भोराजपुर खुर्द गाँव के हरिराम तिवारी के घर पर धावा बोला, लेकिन वहाँ कुछ लोगों के जगने के कारण तथा कुछ लोगों द्वारा लाइसेंसी बंदूक से फायर करने के बाद चोर वहां से फरार हो गए और थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव में रिटायर्ड मास्टर के घर पर पहुंचकर अपना निशाना बनाया, जहां अज्ञात चोरों द्वारा बड़े बड़े पत्थर लेकर घर में चोरी करने की भी बात सामने आई है। चोरी करने के उपरांत अज्ञात चोरों ने पत्थर को घर में ही छोड़ दिया और फरार हो गए। सूचना पर अतरौलिया थाने के उपनिरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटी रही। हालांकि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से अब लोगों के अंदर भय व्याप्त है, वहीं पुलिस प्रशासन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि पीड़ित सत्यप्रकाश ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। सत्यप्रकाश कहाँ पर घर है? हाथीपुर में। हाथीपुर में क्या मामला हुआ आपके घर? मामला कल रात में चोरी हो गई हमारे घर में, जी 19 तारीख की जो रात थी उसमें चोरी हो गई और माता जी का हमारे गहना ले गए, बड़ी भाभी का ले गए और छोटे भाई जो हमसे बड़े जो है उनकी गहना ले गए सब, बाकी जो नकदी उकदी गई। कितने आपके यहाँ कितने गहने रहे होंगे जी? लगभग 10-11 लाख की नकदी भी चोरी हुई है जी। 50,000 नकदी लगभग जी। ये कितने बजे घटना है? ये लगभग 1 बजे की। कैसे पता चला आपने? तो पिताजी जब पेशाब करने उनको लगी तो पेशाब करने के लिए उठे, उसके बाद देखे कि दरवाजा लॉक है तो उन्होंने भाई साहब को फोन किया तो वो आए, उसके बाद जब दरवाजा खोले फिर घर में देखा गया तो सब पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कितने कमरे का ताला तोड़ के ले गए? ताला तो मम्मी के कमरे का तोड़े, भाभी के कमरे का, अलमारी अलमारी का तोड़ दिए हैं सब। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा आपको, मतलब किस रास्ते से चोर अंदर प्रवेश किए होंगे? अब बालकनी जो हमारी थी बालकनी का दरवाजा जो खोल के वो अंदर प्रवेश किए ऊपर से, फिर नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पे चाबी रखी रहती तो उसी से दरवाजा खोल के फिर वो अपने बाहर निकल गए। अच्छा